हेलो किड्स, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, खुश होंगे, बट स्कूल को बहुत मिस कर रहे होंगे, है ना? तो चलिए कोई बात नहीं, मैं भी कर रही हूँ। तो अब स्कूल में तो हम पढ़ाई कर नहीं सकते अभी, बिकॉज स्कूल बंद है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम पढ़ाई नहीं करेंगे। तो इसीलिए हम लोगों ने आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की है, जिसमें आज हम बात करेंगे आपकी इंग्लिश की बुक के बारे में, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट टू टॉक अबाउट इट। टुडे आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस यू योर न्यू इंग्लिश ग्रामर बुक, ग्रामर गियर। आज मैं आपको आपकी इंग्लिश की ग्रामर की बुक से इंट्रोड्यूस करवाऊंगी, जो कि है ग्रामर गियर। ये कैम्ब्रिज की है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, कैम्ब्रिज की है ये बुक, कैम्ब्रिज की है ये बुक, जिसमें आज हम बात करेंगे अपने चैप्टर्स के बारे में, इस बुक के बारे में, और कौन कौन से चैप्टर्स इसमें दिए हुए हैं, ठीक है? तो चलिए बात करते हैं। ये आपकी ग्रामर की बुक है जो इस बार चेंज हो गई, आपकी तीन बुक्स इस बार चेंज हुई हैं। जो एडवाइज़र की बुक है फिफ्थ क्लास, वो एज इट इज़ रहेगी, उसके साथ हमने तीन बुक्स और ऐड की हैं। फर्स्ट है ग्रामर गियर, सेकंड है कम्युनिकेट विद कैम्ब्रिज, एंड द थर्ड इज़ वर्कबुक। तो इस तरीके से आपकी तीन बुक और हैं। तो इंग्लिश का कोर्स इस बार थोड़ा सा लेंदी होने वाला है, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग उसे कवर कर लेंगे और पढ़ने में आपको बहुत मज़ा आएगा और कुछ इंटरेस्टिंग और न्यू फन लविंग चीज़ें आपको जानने को उसमें मिलेंगी, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपकी बुक का फ्रंट पेज है। इसके बाद ईयर ऑफ पब्लिशन आता है कैम्ब्रिज का, कौन से ईयर में पब्लिश हुई, कहाँ हुई, कैसे स्टार्टिंग हुआ इसका। फिर आता है प्रीफेस, जिसमें एक्सपेक्टेशन ऑफ स्टूडेंट्स दिया हुआ है, इसका स्टेटस दिया हुआ है, और कौन से लेवल पर ये बुक वर्क करता है वो दिया हुआ है, ठीक है? उसके बाद आते हैं कंटेंट्स। कंटेंट्स मतलब इंडेक्स कह सकते हो, विषय सूची कह सकते हो, टाइम टेबल कह सकते हो, जिसमें आपके चैप्टर्स के बारे में बताया गया है और चैप्टर्स कौन से पेज पर हैं, उन चैप्टर्स में क्या क्या है, कौन से टॉपिक इस बार आपको क्लियर कराए जाएंगे, वो सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है? तो ये हो गए आपके कंटेंट्स के बारे में बात। अब इसमें देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, नाइन, टेन, 11 चैप्टर्स हैं। उसके बाद में आपका असेसमेंट फर्स्ट आ जाएगा, ठीक है? असेसमेंट फर्स्ट मीन्स जिसमें आपको कुछ एक्सरसाइज और दी गई हैं उन्हीं चैप्टर्स के साथ, उनको थोड़ा और डिटेल में बताया गया और कुछ और चैप्टर उनके साथ ऐड किए गए हैं, ठीक है? उसके बाद असेसमेंट सेकंड है, जिसमें तीन चैप्टर्स हैं। तीन चैप्टर्स में आपके कंपोजिशन, पैराग्राफ, एसे, लेटर, स्टोरी, एप्लीकेशन, ये चीज़ें उसमें आएंगी। तो ये तो हो गई हमारी आज की अपनी बुक के बारे में बात, ठीक है? हाँ, मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, ये आपकी न्यू बुक उनके साथ ऐड हुई हैं, बट जो एडवाइज़र की आपकी बुक है, कोर्स बुक, वो सेम ही रहेगी, वो चेंज नहीं हुई है, वो एज इट इज़ ही रहेगी। उसके साथ हम लोगों ने थ्री बुक्स और ऐड किया है, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो रहेगा फ्रेजेस। आज का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो रहेगा फ्रेजेस। फ्रेजेस मीन्स क्या होता है बेटा? आई डोंट थिंक सो बच्चों, आप लोगों ने पहले फ्रेजेस के बारे में सुना होगा या नॉलेज होगा, बिकॉज यू आर इन टू लिटिल क्लासेस, इसलिए। तो आज हम लोग आपको बताएंगे फ्रेजेस के बारे में। फ्रेजेस वो चीज़ होती है बेटा जिसे हम लोग सेंटेंस का छोटा रूप कह सकते हैं। फ्रेजेस एक ऐसी लाइन होती है जिसका खुद का कोई मीनिंग नहीं होता, पूरा पूरी तरह उसका कोई अर्थ नहीं निकलता। जबकि सेंटेंस क्या होता है? अ वर्ड, ग्रुप ऑफ वर्ड, जिसका एक सेंसिबल सेंस निकलता है, जो पूरी तरह अपने आप में कंप्लीट होता है। तो फ्रेजेस जब सेंटेंस से जुड़ती हैं तब वो सेंटेंस कंप्लीट होता है और फ्रेज कंप्लीट होती है। खाली फ्रेज का कोई अर्थ नहीं निकलता है, ठीक है? तो चलिए उसके पहले हम लोग वार्म अप कर लेते हैं। दीज आर फोर क्लूज दैट कैन हेल्प टू सॉल्व द मिस्ट्री ऑफ द मिसिंग शिप, मैच द ग्रुप ऑफ वर्ड्स करेक्टली टू गेट द क्लूज। अब यहाँ पे कुछ क्लूज दिए गए हैं जो आपको शिप को ढूंढने में मदद करेंगे। द बार्किंग डॉग वर स्पॉटेड ऑल अराउंड। अब ये तीनों अलग अलग हैं, तो ये आप फ्रेजेस कह सकते हो। तीन इंडेक्स में तीन चीज़ें दी हुई हैं, ये फ्रेजेस कह सकते हो आप इन्हें, ये फ्रेजेस हैं, ठीक है? पग मार्क्स ऑफ अ टाइगर वर्स ड्रॉन इन द टेंट रूफ, अ गैपिंग होल वॉज हर्ड इन द मिडिल ऑफ द नाइट, अ लॉट ऑफ वूल। अब ये पूरी एक स्टोरी दी हुई है, छोटा सा पैराग्राफ दिया हुआ है, जिसे इन्होंने फ्रेजेज में, यानी अभी ऑल अराउंड, सभी एक साथ, सारे आसपास। अब ऑल अराउंड, खाली ऑल अराउंड का तो कोई अर्थ नहीं निकलता ना, आप ऐसे चलते फिरते बोल दो मम्मा ऑल अराउंड, तो कोई अर्थ नहीं निकला ना। किसके पास में, किसके आसपास, कौन था, कहाँ था, कैसे था, जब तक ये आप क्लियर नहीं करोगे तो इस वर्ड का कोई मीनिंग नहीं है, इसलिए ये फ्रेजेस कहलाते हैं, ठीक है? तो ये तो हो गया वार्म अप। अब इसके नीचे आते हैं। ईच ग्रुप ऑफ वर्ड इन थ्री कॉलम्स मेड सम सेंस बट नॉट कम्प्लीट। अब हर एक ग्रुप में, ये तीन ग्रुप दिए इधर, हर एक ग्रुप में अलग अलग सेंटेंस छोटे छोटे दिए हुए हैं, बट उनका कोई सेंस नहीं निकल रहा। मैंने पहले बताया ना आपको, कंप्लीट सेंस नहीं निकल रहा।
सेंस टू इट डाउन, यू मैच द ग्रुप वर्ड्स टू मेक कंप्लीट सेंस. आपको इन ग्रुप को मैच करना पड़ेगा इनका पूरा एक सेंटेंस बनाने के लिए. ठीक है, कम टुगेदर टू मेक सेंटेंस, इनको एक वाक्य में बदलने के लिए आपको इनको कंप्लीट करना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ जोड़ना पड़ेगा. ठीक है, आपका आज का होमवर्क भी मैं साथ साथ बताती जाऊंगी, जो आपको इसमें नोट डाउन कर लेना है. अलग से नोटबुक रखिएगा अपने पास, पेन पेपर पेंसिल इरेजर जो भी रखना है वो एक साथ लेके बैठिएगा, और उसमें आपको होमवर्क आज का साथ साथ नोट करते जाना है. सबसे पहले आज का होमवर्क है आपका फर्स्ट पॉइंट होमवर्क का फ्रेजेस, और उसकी डेफिनेशन लिखनी है. अब फ्रेज उसके बाद सेंटेंस का डेफिनेशन लिखना है, फिर उसका एग्जांपल लिखना है. पहले फ्रेज का डेफिनेशन लिखना है विद एग्जांपल, आफ्टर दैट राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस विद एग्जांपल. ठीक है, सो कम टू द पॉइंट. अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट डज नॉट हैव अ वर्ब दैट चेंज फ्रॉम इट. अ फ्रेज क्या होता है, एक शब्द होता है जो कम्प्लीटली एक क्रिया नहीं कहलाता. वर्ब क्या होता है, क्रिया, क्रिया यानी कुछ करना, क्रिया नहीं कहलाता जब तक उसे बदल नहीं दिया जाता. इट डज नॉट मेक कंप्लीट सेंस, उसका पूरा अर्थ नहीं निकलता ऑन इट्स ओन, खुद के बल पर. एंड इट्स मीनिंगफुल ओनली एज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस, ये केवल एक वाक्य का कुछ हिस्सा होता है. फॉर एग्जाम्पल द सेटिंग सन, अब एग्जाम्पल के लिए फ्रेज का एग्जाम्पल दिया हुआ, द सेटिंग सन, डूबता हुआ सूरज. अब आप ऐसे ही बात कर रहे हो किसी से, बीच में आप बोल दो डूबता हुआ सूरज, तो सामने वाला हंसेगा, कहेगा अरे सो फुलिश, है ना, बेवकूफ, बैठा बैठा बोल रहा है द सेटिंग सन, इसका तो कोई मतलब ही नहीं निकलता. लेकिन अगर इसको आप एक सेंटेंस में कन्वर्ट कर दोगे, आगे आएगा, तो आप देखोगे कि इसका कंप्लीट सेंस निकल गया. ये अभी तक फ्रेज है, फ्रेजेस है. ठीक है, द ट्विन ब्रदर्स, जुड़वा भाई, ऑन द हिल, हिल के ऊपर. ठीक है, अब ये तीन एग्जाम्पल दिए हुए हैं सेंटेंस के, बट इनका कोई अर्थ नहीं निकल रहा. ठीक है, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट हैज अ वर्ब That change from to show tense. A sentence make complete sense on its own. अब एक sentence यानी एक वाक्य क्या होता है, शब्दों का समूह होता है जो change करता है tense को, tense के according अपने आप को. A sentence make complete sense on its own. ये अपने बल पर खुद का पूरा अर्थ बताता है. For example, the setting sun was seen in the west. डूबता हुआ सूरज पश्चिम में दिखाई देता है, निकल गया ना पूरी शब्द का अर्थ, द सेटिंग सन का नहीं निकल रहा था, बट अभी सेंटेंस का निकल गया ना, दैट इज वॉट आई एम टेलिंग यू. द ट्विन ब्रदर्स आर गुड डांसर, जुड़वा भाई बहुत अच्छे डांसर्स हैं, निकल गया अर्थ आ गया ना सामने. द गोट्स आर ग्रेजिंग ऑन द हिल, बकरियां हिल के ऊपर चर रही हैं. ठीक है, घास चर रही हैं. अब आते हैं एक्सरसाइज पर. फर्स्ट राइट एज फॉर ग्रुप वर्ड्स, इस सेंटेंस, इस जो एक्सरसाइज है इसमें आपको क्या करना है, एस लिखना है जो कंप्लीट सेंटेंस है, और पी लिखना है जहां पर फ्रेज है. ठीक है, तो देखते हैं कितना समझ में आया आपको. ये आपका आज का होमवर्क भी है, इसे राइट डाउन करना है नोटबुक में, उसके बाद में इनके आगे लिख के भेजना है मुझे एस और पी, कौन सा एस है कौन सा पी है. फर्स्ट आई टेल यू टू एग्जाम्पल. द फर्स्ट प्राइज वॉज वोन बाय अवर टीम, पहला प्राइज हमारी टीम के द्वारा जीता गया, पहला पुरस्कार हमारी टीम के द्वारा जीता गया, पूरा सेंटेंस है, मींस एस. द राइप ऑरेंज, पके हुए संतरे, अब इसका तो कोई मीनिंग ही नहीं निकल रहा, इसके साथ कुछ और ऐड करना पड़ेगा तभी निकलेगा, है ना, दैट मींस इट इज फ्रेज. द फिश इन द एक्वेरियम, क्या है ये, फ्रेज या सेंटेंस, एक्वेरियम में मछली है, कौन से एक्वेरियम में, कहाँ है, नहीं पता लगा, मींस फ्रेज. फोर्थ, टू मच एक्सरसाइज कैन समटाइम बी हार्मफुल, बहुत अधिक व्यायाम करना कई बार सेहत के लिए हानिकारक हो जाता है, ये कंप्लीट सेंस बता रहा है, इसलिए इसके सामने एस लिखेंगे. पेंटिंग पोर्ट्रेट्स इज माय स्किल, पोर्ट्रेट्स बनाना मेरी स्किल है, मेरी हॉबी है, मुझे अच्छा लगता है, ये भी सेंटेंस है. ठीक है, तो पांच मैंने आपको सॉल्व करके बताए हैं, बाकी के जो पांच बचे हैं, डू विद योर सेल्फ, डोंट टेक हेल्प विद ऑफ योर पेरेंट्स, नहीं आता आप मुझे वापस लिख के भेजिए, आई विल टेल यू अगेन, बट डू इट योर सेल्फ. ओके, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं. नाउन फ्रेजेस, संज्ञा में फ्रेजेस कैसे होती हैं, देखिए अब यहाँ पे एक पिक्चर दिया हुआ, उस पिक्चर के आगे कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं, तो चलिए रीड आउट करते हैं सेंटेंस को. रीड द डायलॉग्स, फर्स्ट डायलॉग में चिल्ड्रन प्लेड गेम, बच्चे गेम खेलते हैं. सेकेंड में विद चिल्ड्रन, ये तो बताया नहीं कौन से बच्चे खेलते हैं. थर्ड में द प्री स्कूल चिल्ड्रन प्लेड गेम्स, प्री स्कूल के बच्चे गेम खेलते हैं, बता दिया है ना. विच गेम, कौन सा गेम खेलते हैं, ये तो बताया नहीं, यानी अभी भी अधूरा है. द प्री स्कूल चिल्ड्रन प्लेड स्किपिंग गेम, प्री स्कूल के चिल्ड्रन स्किपिंग गेम खेलते हैं, बन गया ना कंप्लीट सेंटेंस और निकल गया इसका अर्थ,
दैट इज़ कॉल्ड डिफरेंस बिटवीन फ्रेजेज एंड सेंटेंस. ठीक है, फर्स्ट में ये फ्रेज था बट फिफ्थ में आते आते ये सेंटेंस में कन्वर्ट हो गया. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. नाउन आर वर्ड्स दैट रेफर टू पर्सन, प्लेस, थिंग्स, क्वालिटीज, आइडिया और एक्टिविटीज. संज्ञा वो शब्द होते हैं जो पर्सन को, व्यक्तियों को, वस्तुओं को, स्थान को, विशेषताओं को, आइडियाज़ को और क्रियाओं को परिभाषित करते हैं. इन अ सेंटेंस देयर शुड बी अ नाउन और अ प्रोनाउन दैट इज अ सब्जेक्ट. समटाइम्स अ वन वर्ड नाउन मे बी नॉट बी इनफ टू डिस्क्राइब अ पर्सन, अ प्लेस, एन ऑब्जेक्ट, अ फीलिंग, एन इवेंट और कन्वे अ मैसेज. कभी कभी क्या होता है, एक शब्द में किसी एक व्यक्ति को परिभाषित करना पॉसिबल नहीं हो पाता, किसी एक व्यक्ति को, किसी एक जगह को, भाव को या किसी कार्यक्रम को. सो वी यूज़ मोर वर्ड्स विद द नाउन, इसीलिए हम संज्ञा के साथ कुछ और शब्द जोड़ देते हैं. दीज वर्ड्स में एडेड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द नाउन, और ये शब्द हमें संज्ञा के बारे में, यानी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसके बारे में और अधिक जानकारी हमें देते हैं. इन द डायलॉग यू जस्ट रीड, डायलॉग में आपने पढ़ा, द हेड नाउन चिल्ड्रन इज मॉडिफाइड बाय द वर्ड्स द प्री स्कूल एंड द नाउन गेम इज मॉडिफाइड बाय द वर्ड स्किपिंग. आपने उस डायलॉग में पढ़ा कि चिल्ड्रन को मॉडिफाइड कर दिया गया प्री स्कूल चिल्ड्रन के साथ. ठीक है, तो हमें उनकी और ज़्यादा पहचान हो गई. फिर गेम को मॉडिफाइड कर दिया गया स्किपिंग के साथ, तो हमें ये पता लग गया कि कौन सा गेम. तो अधिक जानकारी, मतलब पूरी तरह जानकारी हमें उनके बारे में मिल गई. टुगेदर ईच ग्रुप ऑफ वर्ड वर्क एज नाउन इन द डायलॉग सो वी कैन गेट द टू फ्रेजेस द प्री स्कूल चिल्ड्रन एंड स्किपिंग गेम्स. जब दो शब्दों को एक साथ मिला देते हैं और वो वाक्य बन जाता है तो हमें उसमें क्या मिला, एक तो प्री स्कूल चिल्ड्रन एंड स्किपिंग गेम्स, ये दो नए वर्ड्स मिल गए. अ फ्रेज विच एक्ट एज अ नाउन, फ्रेज होती है जो कि संज्ञा की तरह कार्य करती है इन अ सेंटेंस, एक वाक्य में. एंड डज नॉट हैव अ वर्ब विच शोज टेंस इज कॉल्ड अ नाउन फ्रेज, और जिसमें वो क्रिया नहीं दिखाती अपनी खुद की, तो वो क्या कहलाएगी, नाउन फ्रेज. ओके, अब थर्ड एक्सरसाइज देखिए. सर्कल द वर्ड्स दैट टेल मोर अबाउट द अंडरलाइन नाउन एंड मॉडिफाइड देम. द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू. इसमें हमें नाउन फ्रेज बताना है, उस पर सर्कल करना है. फर्स्ट हमारे लिए करके दिया गया, देखिए, ब्यूटिफुल रेड फ्लावर्स वर ब्लूमिंग एवरीवेयर, सुंदर लाल फूल हर जगह खुशबू फैला रहे हैं. द ब्लू रेसिंग कार रीच द फिनिशिंग लाइन फर्स्ट. अब इसमें क्या आएगा, द ब्लू रेसिंग कार. ठीक है, द ब्लू, ये हो गया इसका मॉडिफाइड यानी नाउन फ्रेज. द ग्रे हेयर्ड, इसमें ग्रे हेयर्ड हो जाएगा. अब तीन मैंने, आप दो आपको मैंने सॉल्व करके बताए हैं, और एक और बता देती हूँ. ऑल द प्लैनेट्स ऑर्बिट द सन, तो इसमें ऑल द प्लैनेट हो जाएगा. ठीक है, अब ये चार मैंने आपको सॉल्व करके बताए हैं, आगे के छह आपको खुद सॉल्व करने हैं. एंड सेंड इट टू मी. अगेन आई रिपीट कि आपको हेल्प नहीं लेनी है पेरेंट्स की, डू इट विद योर सेल्फ. नहीं आता कोई बात नहीं, वापस से लिखकर मुझे भेज दीजिए, आई विल टेल यू अगेन, बट डोंट टेक हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स. ओके किड्स, तो आज का हमारा चैप्टर था फ्रेजेस, जिसकी दो एक्सरसाइज मैंने दी हैं आपको, होमवर्क मैंने आपको बता दिया है, ये आपको करके मुझे सेंड करना है. टुमारो वी विल रीड अवर नेक्स्ट टॉपिक एंड नेक्स्ट चैप्टर. ओके, टिल देन हैव अ गुड डे, बाय बाय.